always sit and do something beautiful for God. Small things with great love is always appreciated. Though human being may not recognize, but the Lord who has given us life, small things done out of love, with great love, will be rewarded. Bless each one of us with that love and joy. May we remember Dr. Radhakrishnan, who was a great teacher, who always liked to be called as a teacher. May we follow his footsteps and build our nation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let's sing together a song, Bhagwan Tu Hai Mera Jeevan Sahara. Your favorite film Sholay, and conversation between Mausi and Jay. So let's start. Mausi. अरे बेटा, इतना समझ लो, जवान बेटी घर में है, सीने पर बोझ की तरह होती है। एक बार बसंती की शादी हो जाए तो चैन की सांस लो। हाँ मौसी, बड़ा बोझ है आप पर। बुरा मत मानना बेटा,
सोचना ही पड़ता है। लड़के का खानदान कैसा है, लड़के के लक्षण कैसे हैं, कमाता क्या है। अब कमाने का तो यह है मौसी, रोज रोज तो इंसान जीत नहीं जाता ना, हार भी जाता है बेचारा, हार जाता है। मुश्किलें तो है हजार पर अभी सब दरकिनार, मुश्किलें तो है हजार पर अभी सब दरकिनार, बस देखिए और दिखाइए कितने ठीक हुए और कितने बीमार। मुश्किलें तो है हजार पर अभी सब दरकिनार। सरहद पर चीनी ताऊ और पाकिस्तानी मियाऊ उछल कूद मचा रहे हैं। सरहद पर चीनी ताऊ और पाकिस्तानी मियाऊ उछल कूद मचा रहे हैं, पर हम अपनी शांति का बिगुल न जाने किसे सुना रहे हैं। पर हम अपनी शांति का बिगुल न जाने किसे सुना रहे हैं। वर्तमान संकट पर भी इतिहास दोषी है। वर्तमान संकट पर भी इतिहास दोषी है, जैसे जुमलों की भरमार, बस देखिए और दिखाइए कितने ठीक हुए कितने बीमार। दोस्तों, उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की जरूरत होती है, वह चाबी है जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब आप अपने सफलता का द्वार खोल रहे होते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता, वो कभी भी इंतजार में नहीं बैठता कि बिना कुछ किए उसकी जिंदगी बेहतर होगी। यदि आप महान बनना चाहते हैं तब अपनी जिम्मेदारी की कीमत समझें। अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार रहे, न कि दूसरों पर ब्लेम डालते नजर आए। एक अच्छा इंसान कभी भी अपनी कामचोरी और निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने से बनता है। गुरु की महत्ता बहुत है हमारे बीच में, हम गुरु को बहुत पूजनीय मानते हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में गुरु को महत्व नहीं दिया जाता है। एक संस्कृत का श्लोक है जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के माध्यम से यही कहना चाह है कि गुरु जो साक्षात परम ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार है और वो साक्षात परम ब्रह्म है, उन गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ। तो सभी की चीज को मानते थे, पर आज के आधुनिक युग में गुरु के चरण स्पर्श करना कोई भी पसंद नहीं करता। वो एक पुरानी तकनीक मानते हैं, इसको पुरानी रीत मानते हैं, पर हम जब पढ़ते थे तब हम उसको इस चीज को मानते थे। तो वही चीज बच्चों को भी आज के युग में करनी चाहिए। Giver of all wisdom and greatest of all teachers, look upon your teachers with love. Help us to genuine always and nurture our eager minds with love and care. Help us to be merciful to our children and balance mercy and discipline in right measure. Encourage us when we fall and kindle your light upon us. Amen. Daniel, Krishna, हमें खुशी हुई तुम्हारी बातों को देखकर, तुम्हें भी खुशी होगी ये जानकर कि आज से तुम हमारे गिरोह में काम करो और तुम्हें रुपया पैसा मिलेगा। लोग डरेंगे, डरा के लोगों को वो रखता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तात्या मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्ता का सहारा लेना छोड़ दे। तात्या शक्ति को आओ ललिता, मैं जो भी बोलूं तोल तोल के बोलूं, मैं जो भी करूं खोल खोल के करूं। आओ ललिता। Now the memory of Dharmendra. कुत्ते कमीने, मैं तो खून पी जाऊंगा। अरे ओ बुढ़िया, इस बसंती से मेरी शादी करा दे, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। Social distance.
Gujarati,
મતે મિત્રો તમે કેમ છો? આ 9-8 આઈ થિંક બંગાળી અહો બંધુઆ કેમન ઓ છે 9 પંજાબી. હેલો દોસ્તો, તુસી કી હાલ હૈ? કન્નડ લાસ્ટ કન્નડ હેલો ગલિયારે હેગી પીરા. These thoughts came in my mind and I've just written them. Our principal, Reverend Father G. Francis, thank you for everything. The present time is really challenging. It's not easy to run the show. Many times, to be honest, we really feel low. But you never let our spirit down. You build up our confidence to do the best in the town. You are a mentor and a guide in our educational stride. In this short span, with your motto, together we can and we will, you have led us on a new path. Life losses was a new start. With Zoom and Google Meet, it's time for us to take a beat. Conducting exams on Google Form, really, Father, for us, it was a new platform. We trembled a bit, but you said we have to give it a hit. With music and melody, you always bloom, filling joy in this gloom. Wishes on Janmashtami, Raksha Bandhan, Eid and Independence Day, happiness and joy in every heart it lay. With discipline and equality in your sight, our institution will reach its height. Your friendly attitude makes us feel light, but to balance, your strictness keeps us tight. We are sure the future of Paulites is bright. All of us will work with all our might, as together we can and we will reach the excellence height. Happy Teachers' Day to you all. God bless you.